फिरोजाबाद भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद निर्वाचन 2019 कार्यालय जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी स्वसहाय महिला चिकित्सालय के पीछे चिकित्सा केंद्रीय परिषद सदस्यों का चुनाव निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की देखरेख में शुरू हुआ। उन्होंने बताया कि भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद के सदस्यों का चुनाव है। पूरे प्रदेश से 4 सदस्य आयुर्वेद व 2 सदस्य यूनानी के चुने जाएंगे। हमारे उच्च अधिकारियों जिलाधिकारी चंद विजय सिंह, नोडल अधिकारी CMO डॉक्टर एस के दीक्षित, विशेष सचिव यतेंद्र मोहन, आयुष विभाग लखनऊ का विशेष सहयोग है। मतदाता सूत्री बाहर चस्पा कर दी गई है और पीठासीन अधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया है। फिरोजाबाद से गौरव राठौर की रिपोर्ट, SKH न्यूज। कान सिंह, प्रेसिडेंट नीमा फिरोजाबाद। आज केंद्र भारतीय चिकित्सा परिषद का जो है चुनाव होने जा रहा है, इसके अंदर 32 प्रत्याशी जो है समस्त उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से यहाँ हैं, जिसमें हम अपने जितने भी साथी भाई हैं उन सभी से ये अपील करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट देकर और हमारे जो भी CCIM के अंदर जो भारतीय केंद्रीय चिकित्सा परिषद के सदस्य चुने जाएँ, वो ऐसे सदस्य चुने जाएँ जो हम लोगों की जो अभी तक की जो परेशानियाँ हैं, कुछ IV फ्लूड्स के बारे में हैं, कुछ चिकित्सा के संबंधित हैं, कुछ जो है छापेमारी के संबंधित होती हैं, तो मैं उन सभी अपने साथियों से अपील करना चाहता हूं कि वो ऐसे प्रत्याशी को वोट दें जो हम लोगों की बात भारतीय केंद्रीय चिकित्सा परिषद में जाके रख सके और हम उनके हाथों को मजबूत करके, हम छोटे भाई हैं, वो हमारा सानिध्य में हम उनके रहेंगे और सारी व्यवस्था वो लोग। निर्वाचन अधिकारी भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद निर्वाचन 2019 जिला पे चिकित्सा अधिकारी फिरोजाबाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये जो चुनाव है भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद के सदस्यों का चुनाव है, इसमें 4 सदस्य आयुर्वेद के और 2 सदस्य यूनानी के चुने जाएंगे पूरे प्रदेश से। ये जो हमको जो जिम्मेदारी दी गई है इस चुनाव को सम्पन्न कराने के लिए, इस जिम्मेदारी को हमने बड़े अच्छे तरीके से निभाया है। हमारे उच्चाधिकारियों का बड़ा हमको सहयोग मिला है, जैसे जिलाधिकारी महोदय, हमारे नोडल अधिकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुकुमार दीक्षित जी, एवं हमारे जो है विशेष सचिव यतीन्द्र मोहन, आयुष विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, उनके द्वारा ये जो भी हमारा निर्वाचन का कार्य सम्पन्न कराया जा रहा है, ये हमारा बहुत अच्छी तरह से निर्वाचन का कार्य सम्पन्न हो रहा है। धन्यवाद। सर, इसमें किन किन लोगों ने वोट किया है, कौन कौन कर सकते हैं? इसमें वोट करने के लिए जिन लोगों का भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तर प्रदेश में जिनका रजिस्ट्रेशन है, चाहे राज्य में हो चाहे संघ में हो, वो लोग वोट दे सकते हैं। दूसरे नंबर इनका जो जिस मतदाता सूची है 10/6/1986 तक के जो भी रजिस्टर्ड हैं वही लोग इसमें मतदान कर सकते हैं, उसके जो बाद के उसमें अधिकृत नहीं है। उनकी मतदाता सूची जो है हमको दी गई है, वो बाहर चस्पा कर दी गई है। एक एक सूची हमने अपने कर्म जो है पीठासीन अधिकारी को और पीठासीन द्वितीय को, इनको सबको सब दे दी है। एक सूची हमने अपने पास रखी है।